एक वो सपना जो कश्मीर को पूरे इंडिया से जोड़ेगा वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क से। वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आज आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ ऐसा आइकॉनिक लेकर के आने वाली हूँ कि आपकी आंखें चौकन्नी हो जाएगी। बस हो जाने दो। वेल, अभी मैं हूँ चेनाब रिवर पर और चेनाब रिवर को कौन नहीं जानता। अभी हम हैं जम्मू में और रेसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पर मैं जस्ट सलाल से नीचे उतरी हूँ, जा रही हूँ अभी। क्या है वो जो आईफिल टावर से भी बड़ा है? क्या है वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा है? कुछ गेस किया? खैर, थंबनेल से तो कर ही लिया। तो आज हम जा रहे हैं दुनिया के हाईएस्ट आर्क ब्रिज, जो कि ट्रेन आर्क ब्रिज है, वहाँ पर 1178 फीट हाई अबाउ द चेनाब रिवर बेड। वन ऑफ द अमेजिंग व्लॉग होने वाला है, बने रहिएगा। चेनाब रिवर का नज़ारा देखिए और इतना खूबसूरत दिख रहा है अभी कि क्या बताऊँ। वैसे गर्मी बहुत है, दोपहर का वक्त है, लेकिन आपको ये ब्लॉग लेकर के आना। अभी तो हम लोग कटरा से जा रहे हैं चेनाब ब्रिज की ओर और शिवखोरी जाने वाला भी रास्ता यही है। रास्ता इतना ख़राब है, ये बेसिकली लास्ट ईयर भी मैं शिवखोरी आई थी तब भी रास्ता ऐसा ही था और अब भी रास्ता ऐसा ही था। पता नहीं ये रास्ता क्यों नहीं बन रहा है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और अभी आप जो देख रहे हैं वो है चेनाब रिवर। ये रिवर यहाँ से पाकिस्तान की ओर जाती है और ये रिवर हम देखने वाले हैं हाईएस्ट आर्क ब्रिज से, जो कि ट्रेन का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनने वाला है। ऑलमोस्ट बन चुका है, बस उसकी कंटिन्यूटी की जो ब्रिजेस हैं और कंटिन्यूटी के टनल्स हैं उस पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द ट्रेन शुरू हो जाएगी। अब आगे की ओर हम बढ़े हैं तो देखिए एक डैम दिखाई दे रहा है, ये भी चेनाब रिवर पर ही है ऑब्वियसली, और काफी ह्यूज दिख रहा है फ्लो। वैसे अभी चेनाब रिवर में इतना पानी नहीं दिखाई दे रहा है जो रेगुलर हम देखते हुए आए, जिस ब्रिज को हमने क्रॉस भी किया। मे बी उसका रीज़न मुझे लगता है कि इस साल बहुत बर्फबारी हुई है। इवन इस बार जो है ना, पूरा हम लोग अभी केदारनाथ धाम भी किए थे हम लोगों ने, और बर्फबारी ऐसी हो रही है कि इस सीज़न में इन द मंथ ऑफ जून बर्फ हो रहा है, तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है पूरे के पूरे पहाड़ और बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं है, और उस कारण से ही मुझे लगता है कि पानी अभी ज़्यादा नहीं है रिवर। हम लोग थोड़े और आगे की ओर आ गए हैं और बस और आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन ये फर्स्ट लुक है हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट आर्क ब्रिज का, जो कि सबसे हाईएस्ट है और ये ट्रेन ब्रिज बनने वाला है, इसीलिए वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रेन आर्क ब्रिज है ये। मेरा नाम है जी श्री शिव सिंह ठाकर। अच्छा। सलाल का रहने वाला हूँ, मैं कंडक्टर हूँ, गवर्नमेंट का कंडक्टर। अच्छा। और ज़्यादा मैं काम करता हूँ डिफ्रों के। सबसे पहले 2004 को मैं रेलवे आई यहाँ पे, इनका काम आया, कंपनियाँ आई, पहले सर्वे हुआ तो सर्वों के साथ भी हम इकट्ठे थे, तो उसके बाद हमें डिफ्ट निकाली है, दो डिफ्ट निकाली है तो अखवान कंपनी की। फिलहाल हम लोग हैं सलाल, सलाल पे। ये सलाल जगह है जी। और सलाल से हम या तो बकाल की तरफ जा सकते हैं या फिर कौरी की तरफ। उन्होंने भी इसमें काम किया है, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमें देख करके आए और उन्होंने सोचा कि हमें पानी के लिए पूछे, शुक्रिया। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग हैं सलाल में जहाँ से आपको ये व्यू दिखाई दे रहा है और ये फर्स्ट लुक है आर्क ब्रिज का, ट्रेन आर्क ब्रिज का, और ये जो रोड है उसकी तरफ से हम लोग जा रहे हैं। हमें नीचे की ओर जाना है कौरी होते हुए, हम कौरी से मतलब ये हिस्सा जो है वो कौरी है, वो हिस्सा जो है वो बकाल है, और कौरी की तरफ हम लोग शायद जाएंगे। और अगर बकाल की तरफ अगर जाना हो तो थोड़ा सा 500 मीटर उल्टा होकर के जाना पड़ता है, तो अभी ये रास्ता ज़्यादा आसान है। आप देख रहे हैं यही ब्रिज हम लोग क्रॉस करके सामने की ओर जाएंगे, जो ऊपर से आपने पहाड़ देखा था ना, इंडिया का कमाल, एक अजूबा,
और इस अजूबे का जो रंग पास आते आते इतना खूबसूरत दिख रहा है कि क्या बताऊं। और एक जो अंदर से जो प्राइड आ रही है ना कि वाओ, इंडिया का हाईएस्ट ही नहीं लेकिन वर्ल्ड्स हाईएस्ट ट्रेन आर्क ब्रिज। वेल, ये एक और चीज़ कहूँ, रैसी और कटरा के बीच में भी एक आर्क ब्रिज बनना था, लेकिन क्योंकि वहाँ की जियोलॉजिकल जो लोकेशन है जो चेनाब रिवर के ऊपर, वो उसके लिए सुटेबल नहीं थी, तो इसीलिए उसको एबंडन किया गया। लेकिन वहीं पर केबल ब्रिज बन रहा है, USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है माउंटेनियस टेरन में, जो आज़ादी के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इंडियन रेलवे ने संभाला है। वेल, हम वो स्पॉट पर आ गए हैं जहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई देगा और इसकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है। ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का बोर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग चेनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। इस तरफ से हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखेगा दुग्गा चेनाब कौरी, एक्चुअल में चेनाब रिवर के ऊपर और कौरी में हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग, एरोमा किस तरफ है, एफकॉन्स का शाहपुर जी पालन जी का बोर्ड लगा हुआ है, वे टू हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ऑसम। वाओ, दिल तो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और हम आ गए हैं चेनाब ब्रिज पर, जो कि दुनिया का हाईएस्ट ट्रेन आर्क ब्रिज है। ये हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो कि ट्रेन ब्रिज है, जो रिवर बेड से करीबन 359 मीटर की हाइट पर है और चेनाब रिवर नीचे से जा रही है, और 17 स्पैंक्स मतलब 17 पिलर्स है इसके अंदर जिस पर ये खड़ा है, और ये पूरा स्टील पर बना हुआ है, काफ़ी मजबूत है, हमारे देश की शान आन बान इसी पर है। और ये ब्रिज दो माउंटेन्स को कवर करता है, 1.3 किलोमीटर का रास्ता तय करता है, और हम जिस तरफ है वो है कौरी, और जो सामने की तरफ आपको पहाड़ दिखाई देता है वो है बकाल। तो ये दोनों को कवर करता हुआ ये लंबा सा हाईएस्ट ट्रेन आर्क ब्रिज। ओके दोस्तों, तो आपको अगर चेनाब आर्क ब्रिज तक आना है तो आप अगर जम्मू से आते हैं तो 108 किलोमीटर का रास्ता आप तय करते हैं, अगर आप कटरा से आते हैं तो करीबन आप 78 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। अप्रॉक्सीमेट जम्मू से 3 घंटे का रास्ता हो जाता है और हम जम्मू से ही आ रहे हैं, बीच में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आते हैं। आपको दो बार बीच में ये ब्रिज का लुक दिखाई देगा और बहुत अमेजिंग होगा। आपको कौरी की तरफ से आना होगा, बकाल से भी आ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रास्ता उल्टा पड़ जाएगा, तो आप जब आएंगे गूगल मैप रख लीजिएगा, चेनाब ब्रिज आप डाल दीजिएगा तो आप कौरी की तरफ से आएंगे, और ये बहुत, और रास्ता काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको कटरा की तरफ से बहुत ख़राब रास्ता मिलेगा, लेकिन जब ये चेनाब ब्रिज रोड आ जाता है तो काफ़ी अच्छा रास्ता होता है। तो रैसी डिस्ट्रिक्ट में हैं हम जम्मू में, और ये खूबसूरत ब्रिज के सामने मैं खड़ी हूँ और सच में मुझे बहुत प्राइड महसूस हो रहा है कि मैं हमारे इंडिया की शान पर खड़ी हूँ। ये बेसिकली अब सारी दुनिया की शान होने वाली है। और हाँ, ये ब्रिज बेसिकली 2002 में प्रपोज किया गया था, लेकिन इसकी बनावट शुरू होते होते और 2017 में जो इसका आर्क आपको दिखाई दे रहा है ना, वो आर्क पहला बना था 2017 में शुरू हुआ था काम, और फिर 2021 तक इसका काम पूरा हो गया था, और अगस्त 2022 में इसका इनॉग्रल हुआ था, और कहा यह जा रहा है कि 2023 दिसंबर या तो फिर 2024 के जनवरी या फरवरी तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा। और सोचिए, जब ये जम्मू से लेकर बारामुल्ला तक ट्रेन चलेगी, क्योंकि इंडिया में कश्मीर जाने वाली जो कि जम्मू मतलब जम्मू से कनेक्ट होने वाली कोई ट्रेन नहीं थी, आपको बनिहाल टू बारामुल्ला की लोकल मतलब ट्रेन पैसेंजर ट्रेन्स मिल रही थी, लेकिन आपको जम्मू से कनेक्ट होती हुई कश्मीर को कोई ट्रेन नहीं थी, तो यहाँ से इन सारे ब्रिज को टनल्स को क्रॉस करते हुए ट्रेन पहुँचेगी जम्मू से लेकर ये उधमपुर होते हुए माता वैष्णो देवी होते हुए ये आगे की ओर बढ़ेगी बनिहाल और फिर श्रीनगर होते हुए बारामुल्ला तक जाएगी। अमेजिंग है ना।
चैनल स्टील आर्क ब्रिज विश्व के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल के रूप में माना जाता है और यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसका कंस्ट्रक्शन एफकॉन्स इंफ्रा ने किया है। यह रेल आर्क ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और जो 359 मीटर ऊंचाई पर रिवर बेड से ऊपर बनाया गया है और 476 मीटर लंबा है। यह चेनाब ब्रिज इंडियन रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो 111 किलोमीटर कटरा और बनिहाल को जोड़ेगा। यह चैनल ब्रिज एक बड़े स्पैन सिंगल आर्क स्टील ब्रिज में डिजाइन किया गया है जिसके दोनों ओर अप्रोच वियाडक्ट्स हैं। इसके आर्क में दो रिवर्ड हैं जो बड़े स्टील के ट्रस से बने हैं। इसके वियाडक्ट्स पियर्स कंक्रीट से बने हैं जबकि आर्क के पास के पियर्स स्टील के हैं। यह ब्रिज जोन वी भूकंप और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को आसानी से झेल सकते हैं। इस ब्रिज की क्षमता है कि यह बम धमाके में भी टिका रह सकता है। इसकी कुल लंबाई 473.25 मीटर की है और वियाडक्ट्स की लंबाई 120 मीटर की है। इसके साथ ही इससे 96 केबल्स सपोर्ट करते हैं। चैनल ब्रिज के आर्क का कुल वजन 10,619 मैट्रिक टन है। विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, यही विश्वास के साथ इस ब्रिज में जुड़े एक एक व्यक्ति की हिस्सेदारी है जो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में शामिल है। इनकी दृढ़ निष्ठा का परिणाम ही है कि हिमालयन माउंटेन्स को भी थोड़ा झुकना और मुड़ना पड़ा। विकट परिस्थिति में भी निर्धारित समय में कंस्ट्रक्शन बड़ी जिम्मेदारी से पूरा किया गया है, ये काबिले तारीफ है। थोड़ा सा हम नीचे की ओर जा रहे हैं, वहां से कहते हैं कि लुक बहुत अच्छा आता है। रोड अभी बंद रहा है। वाओ, एक्साइटमेंट भरा है। मैं नीचे आकर के आप लोगों के लिए स्पेशली ये दिखा रही हूँ। ये जो आग दिखाई दे रहा है ना, फुल स्टील का फैब्रिकेशन है और मजबूत है। और ये पूरा आर्क 485 मीटर का है जो कि रिवर बेड से इसका फाउंडेशन काफ़ी ऊपर की ओर है, माउंटेन पर है। और ये 1.3 किलोमीटर का जो लेंथ होगा जहां से ट्रेन गुजरने वाली है उसको वो होल्ड करके रखेगा दो पहाड़ों के बीच से। और ओ माय गॉड, जम्मू से कनेक्ट करती वंदे भारत कश्मीर को। यस, इट्स ओ माय गॉड। देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया है और ब्यूटी भी चेंज हो गई है। किया स्पेशली आप लोगों के लिए, मैं यहाँ जम्मू में आई हूँ चेनाब ब्रिज के पास। और ये व्लॉग आपको यहीं पर ख़त्म करते हुए मुझे जो है बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये व्लॉग यहीं पे अंत करना पड़ेगा। सो गाइस, दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई लव यू ऑल। बस मुस्कुराते रहिए, प्यार देते रहिए और जम्मू आइए, घूमने आइए। और कल उठ करके तो ये ब्रिज भी जो है एक टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है। इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज से अलविदा कहती हूँ। और इस प्राइड के साथ इस व्लॉग का अंत यहीं पर होगा। फिर मिलते रहेंगे बार बार लगातार।